पारडा येथील लहान कुंभार वाड्यालगत असलेल्या घरामध्ये अचानक शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे येथे आग लागून एकूण 7 लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याची घटना घडली. पाहूया याविषयी सविस्तर. पारडा येथील लहान कुंभार वाड्यालगत असलेल्या घरामध्ये पठाण कुटुंबीय पहाटे गाढ झोपेत असताना मध्यरात्रीच्या सुमारास घरात अचानक शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे आग लागली. या आगीत घरातील अन्नधान्य तसंच 4 लाख रुपये रोख, पत्री कपाटात ठेवलेले सोने चांदीचे दागिने, संसार उपयोगी वस्तू असे एकूण 7 लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. तरी या नुकसानीचे पंचनामा तलाठी निशिकांत पाटील यांनी केला. तसंच कुटुंबियांना त्वरित आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी या परिसरातून व्यक्त होत आहे. रात को मेरे घर पे करंट शॉर्ट हुआ, उसके बाद में मेरा सब खाने पीने की चीज़ें, उसके बाद मेरा फ्रूट का धंधा है, तो मेरा सब जो भी मैं माल लेने जा रहा था, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली थी, तो मैं गाड़ी के लिए पेमेंट लाया था, इधर उधर करके मैं गाड़ी भरने जाने वाला था चंडीगढ़ को माल लेने, तो मेरा वो शर्ट तिरुपति के अंदर पूरे पैसे राख हो गए जल के. उसके बाद धाना खाना पीने की चीज़ें कपड़े वगैरह टोटल लॉस होगा, एकदम बोले तो घर में कुछ ही बचा नहीं है और एकदम टोटल लॉस होगा मेरा ना. और मेरे मिसिस के बहुत पता था, लड़की का डायगन वगैरह बनाया था, तो बाकी टोटल पूरा लॉस होगा. वो तो कुछ जानकारी भी मिले नहीं किधर क्या है, तो एकदम पूरा अंगार में पूरा लॉस हो जाएगा. टोटल लॉस डायगन पे सुनने का था 7 ग्राम की बहुत थी, 10 लाख की बहुत थोड़े थे चांदी की.